हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है, यानी कि जितने भी संविदा के भर्ती हैं या जितने भी संविदा के उम्मीदवार हैं, उन सभी के लिए दोस्तों उनकी प्रोसेस को लेकर दोस्तों एक बहुत ही यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट आवश्यक सूचना निकल कर आ पा रही है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को लेकर और साथ ही दोस्तों उनके संग मेंबरों को लेकर यहाँ पर जो है यूपी के सीएम से मुलाकात की गई है, और उस मुलाकात में क्या बातें की गई हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही कुछ बातें इसमें आप सभी के डीवी को लेकर भी रखी गई है, और डीवी की प्रोसेस को लेकर यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन यूपी के मुख्यमंत्री सर की तरफ से आ रहा है, और जो मांगे को लेकर थी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो लगातार 8 से 9 दिन तक जो है आंदोलन पर यहाँ पर चला था, उस आंदोलन प्रदर्शन का क्या प्रभाव पड़ा, और इसको लेकर यहाँ पर जो मीटिंग की गई उसमें क्या स्पष्ट निर्णय आया, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसके आगे यहाँ पर जो है यूपी के यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री हैं उनसे यहाँ पर जो है मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा गया है, कौन कौन सी मांगे हैं और वहाँ से उम्मीदवारों के लिए क्या इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये कमेटी है और साथ ही यहाँ पर आदित्यनाथ योगी केसरी सर हैं जिनके तरफ से दोस्तों यहाँ पर जो है इस मीटिंग को पूरा किया गया है, जिसमें कि इस मीटिंग में कम से कम 8 से 9 लोग थे। और दोस्तों इस मीटिंग का चर्चा क्या था वो यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। न्यूज़पेपर आर्टिकल में इस विज्ञापन को पब्लिश किया गया है जिसमें कि बताया गया है, और इसका लिंक जो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर फॉलो कर इस पूरे नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। तो आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसमें बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग, यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ आउटसोर्सिंग से पता किया गया है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनकी सेवाओं को नीति को लागू करने के लिए यहाँ पर जो है आश्वासन दिया गया है, यानी कि दोस्तों इनके आवास पर जितने भी कर्मचारी हैं संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने आदित्यनाथ योगी से यहाँ पर मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो मांगे थी कई सारे मांगों को लेकर उनसे मुलाकात की, उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री सर से यहाँ पर जो है आश्वासन मिला है। वो क्या है उसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि राज ब्यूरो जागरण की तरफ से यहाँ पर देखते हैं कि जो कमेटी है यानी कि भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहाँ पर उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में आदित्यनाथ योगी का आश्वासन दिया गया कि जल्द ही यहाँ पर आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी के सेवाओं को नीति को लागू किया जाएगा, और इन कर्मचारियों को सेवाओं को सुधार देने के लिए सरकार पूरे तरह से गंभीर है। सभी किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय बर्ताव नहीं किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र के संगठन मंत्री अनुपम ने प्रदेश अध्यक्ष और विश्वसिंह राज ने यहाँ पर देते हैं कि ITC कंपनी कर्मचारियों की यहाँ पर छिन्नत पर किया ज्ञान था, और साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वर्ग समस्याओं को लेकर कर्मचारियों आंगनबाड़ियों को लेकर समस्याओं को लेकर भी इसमें बातें की, वेतन की वृद्धि को लेकर यहाँ पर जो है EPS की लेकर कटौती को लेकर जैसे यहाँ पर मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो है पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा की, और योगी ने कहा कि जितनी भी समस्या है उन सभी का संविधान निरस्त किया जाएगा, कर्मचारियों को प्रदेश के अंदर विकास के अपने योगदान है। और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिले पहचान मंत्रिमंडल ने भारतीय मजदूर संघ के लेकर अनिल को लेकर यहाँ कर्मचारियों को लेकर उनसे बात की, यानी कि जो उम्मीदवार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अंदर कार्यव्यस्त थे और जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था उनकी जो मांगों को लेकर उन्होंने विज्ञापन दिया है। दोस्तों वो विज्ञापन भी मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर ये जो 9 मांगे थी उनके तरफ से रखी गई थी आदित्यनाथ योगी सर के सामने, क्योंकि सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर, उनकी रक्त पर्त को लेकर, स्थानीयकरण को लेकर, साथ ही यहाँ पर जो है वेतन वरिष्ठ को लेकर, और यूपी के अंदर जितने भी 35 जनपद हैं MCT डाटा ऑपरेटर को लेकर, और EF की सुविधा को लागू करने को लेकर, यहाँ पर जो है आप सभी के 7वें 8वें 20 साल से वर्ष हो गए हैं उन्हें रॉयल्टी मिलना चाहिए, साथ ही यहाँ पर PH यहाँ पर ट्यूटर मिलना चाहिए, CHO को PB में कन्वर्ट करना चाहिए, ठेकेदार की जितनी भी
ठेकेदार की जो पैरामेडिकल स्टाफ की उन्हें ख़त्म करके जिला स्वास्थ्य अनुरोध को सौंपना चाहिए। इन चीज़ों को 9 मांगों को यहाँ पर रखा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपने यह 9 मांगे जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसी मांगों को लेकर यहाँ पर जो है मीटिंग, उस मीटिंग में जाकर उम्मीदवार यहाँ पर जो है भारतीय मजदूर संघ या पदाधिकारियों ने अपने विज्ञापन को उनको दिया, क्योंकि कल ही विज्ञापन आप सभी ने अपने टेलीग्राम चैनल पर उन्होंने पब्लिश किया था। तो वहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम और ट्विटर पर पब्लिश किया गया था, उस पर वहाँ से देख सकते हैं। और उन्होंने शनिवार को यहाँ पर उनसे मुलाकात की। तो मुलाकात में जितनी भी उनकी मांगे थी उन पर यहाँ पर सरकार द्वारा कहा गया है कि जितने भी हमारे यहाँ पर संविदा कर्मी हैं उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं किया जाएगा और उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक देखा जाएगा और स्पष्टीकरण से उनके लिए सोचा जाएगा, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी यह गलत बर्ताव नहीं किया जाएगा। उनकी मांगों को देखते हुए कुछ समय के अंदर इन चीज़ों की मांगों को लेकर पूरी भी कर दी जाएगी। तो यहाँ से एक अच्छी न्यूज़ जो है उम्मीदवारों के लिए निकल कर आ रही थी। और इसके अंदर 8 या 9 कार्यकर्ता गए थे और इन्होंने इसको लेकर वार्तालाप की, क्योंकि जो आंदोलन था वो काफ़ी लंबे समय तक चला था और उम्मीदवारों ने कहा था कि अगर डिपार्टमेंट नहीं मानती है तो हम इसके लिए भूख हड़ताल भी करेंगे। तो इन सभी मांगों को पूरा करने को लेकर आश्वासन मिला था और इसके बाद यहाँ पर जो है विभाग द्वारा और यहाँ प्रदर्शनकारियों द्वारा आदित्यनाथ योगी सर से मिलकर इन सभी बातों को पूरा किया गया। और आदित्यनाथ योगी ने इन चीज़ों का आश्वासन पूरा दिया है कि इस पर जल्द से जल्द जो है डिपार्टमेंट की कार्रवाई की जाएगी और डिपार्टमेंट को इन मांगों को उम्मीदवारों को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को, जितने भी उनके सैलरी वृद्धि को लेकर है, यहाँ पे देते हैं कि वेतन वृद्धि को लेकर है, जो ईपीएस कटौती को लेकर है, इन मुद्दों को प्रदर्शित करते हुए, इनकी चर्चा करते हुए इसको जल्द से जल्द लागू कर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की उम्मीदवारों को पूरे तरह से यहाँ पर जो है उनके दैनिक अधिकार भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही थी जो आप सभी के सामने हमारे चैनल के माध्यम से शेयर किया गया। इसका लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बिल्कुल ही ज्वाइन कर लें। तो मांगे जो उम्मीदवारों ने जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयास किया था, उन प्रयासों में उम्मीदवारों को सफलता मिल रही है, पर कुछ समय बाद इन सभी चीज़ों की जो सफलता है उम्मीदवारों को मिलेगी। सबसे बड़ी सफलता उम्मीदवारों को हो जाएगी कि उनकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर, उनकी यहाँ पर जो है वेतन वृद्धि को लेकर और ईपीआर को यहाँ पर लागू करने को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों उन मांगों को जल्द से जल्द जो है सरकार पूरा कर देगी। तो दोस्तों अभी के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही पता चल पा रहा था कि एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में क्या निर्णय है वो अभी तक पूरे तरह से स्पष्ट नहीं है। एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से बताया गया है कि उम्मीदवारों के फेवर में ही यहाँ पर जो है सरकारें जो है फैसला लेंगे। तो अभी तक लिए अपडेट निकल कर आई थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर किया गया। इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को जरूर शेयर किया जाता। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।